पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला के कत्ल के बाद दविंदर बंबीहा गैंग ने फिर लॉरेंस गैंग को धमकी दी है। बंबीहा गैंग ने सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए कहा है कि वह गोल्डी बराड़ और सिंगर मनकीरत औलख से बदला लेंगे, चाहे इसमें उन्हें कितना भी समय लग जाए। यही नहीं, जो भी इनका साथ देगा वे सब मरेंगे। बंबीहा गैंग ने पहले भी मूसेवाला के कत्ल का बदला लेने की धमकी दी थी। इसके बाद पंजाब में अब बड़ी गैंगवार की आशंका बनी हुई है। मूसेवाला के कत्ल के बाद लॉरेंस और बंबीहा गैंग आमने सामने हो चुके हैं। बंबीहा गैंग ने कहा कि सिद्धू मूसेवाला के पिता ने जो भी कहा हम उसका समर्थन करते हैं। गोल्डी बराड़ और लॉरेंस नशा बेचने और पैसे लेकर बंदे मारने वाले हैं। सभी ने नोट किया होगा कि जिस दिन सिद्धू का कत्ल हुआ उसमें सिंगर का नाम आया, जिसे अभी तक गुप्त रखा गया है। गोल्डी बराड़ ने उस दिन कोई पक्ष नहीं रखा। इन्हें पता है कि इन्होंने बहुत बड़ा पाप किया है, जिसकी माफ़ी इन्हें इनकी मौत के बाद भी नहीं मिलेगी। आज हम क्लियर करते हैं कि सिद्धू मूसेवाला के कत्ल का बदला ज़रूर लेंगे, चाहे टाइम कितना मर्जी लग जाए। जो भी बंदा जग्गू भगवानपुरिया, लॉरेंस और गोल्डी बराड़ का साथ देगा उसे भी ज़रूर मारेंगे। गोल्डी बराड़ को कहते हैं कि संत जी का नाम लेकर बात करने वाला कभी कमज़ोर और निहत्तों पर वार नहीं करता, न ही वह पैसे लेकर कत्ल करते हैं। गोल्डी बराड़ को इसका भारी हर्जाना चुकाना होगा। मनकीरत औलख भी दोषी है, वह हमारी लिस्ट में सबसे टॉप पर है। सभी को मिलेंगे वेट एंड वॉच, कायरो। आपको बता दें कि पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला का 29 मई को मानसा के गांव जवाहर के में गोलियां मारकर कत्ल कर दिया गया था। इसकी जिम्मेदारी लॉरेंस गैंग के कनाडा बैठे गैंगस्टर गोल्डी बराड़ ने ली थी। पंजाब पुलिस ने इस मामले में लॉरेंस को कत्ल का मास्टरमाइंड बनाया है। इस कत्ल में गोल्डी बराड़ के अलावा जग्गू भगवानपुरिया, लिपिन नेहरा समेत कई गैंगस्टर्स का रोल सामने आया है। मूसेवाले का कत्ल करने वाले 3 शार्प शूटर्स प्रियव्रत फौजी, अंकित सेरसा और कशिश पकड़े जा चुके हैं। शूटर मन्नू और रूपा एनकाउंटर में मारे गए हैं। छठा शूटर दीपक मुंडी अभी फरार है। ब्यूरो रिपोर्ट, सच कहूं।